आज हम बनाएंगे नवाबी सेमई, जो कि खाने में बहुत ही रिच, डिलीशियस और लाजवाब बनती है। खास बात इसकी यह है कि आप इसको लार्ज क्वांटिटी में बनाकर पहले से बनाकर तैयार कर सकते हैं और बाद में इसको इंजॉय कर सकते हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, खाने में सबसे लाजवाब बनती है, तो इसको बनाना बहुत आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आपका स्वागत है बिजी मॉम लर्निंग सेंटर में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है व्हाइट वाली सेमई। तो मार्केट में ब्राउन कलर की सेमई भी आती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी में देखें तो ये 50 ग्राम है, तो इनको हम अच्छे से ब्रेक कर लेंगे और इसका हम चूरा सा तैयार कर लेंगे। तो इस तरह हम सारी सेमई को बारीक तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इनको अच्छे से तोड़ लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, सेमी मैंने बिल्कुल अच्छे से तोड़ ली है। तो बारी है अब इनको फ्राई करने की। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच देसी घी ऐड किया है। आप अपने क्वांटिटी के अनुसार इसको ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा देसी घी ऐड कीजिए, पर यहाँ पर तेल का यूज़ बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हम नवाबी सेमई बना रहे हैं। घी से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आ जाता है। तो लो टू मीडियम आँच पर ही हम इनको रोस्ट करेंगे और आँच के फ्लेम को लो ही मीडियम रखिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी भुनती हैं और 5-10 मिनट में ही भुनकर रेडी हो जाती हैं। ये देखिए, इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसमें शुगर पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच शुगर पाउडर ऐड किया है। आप इसमें साबित चीनी बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि उसको मिलने में टाइम लगता है। अगर शुगर पाउडर डालेंगे तो ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। आँच को मैंने लो टू मीडियम ही रखा है और इसको क्रीमी टेक्स्चर देने के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। आधी क्वांटिटी में हम प्लेट में निकालेंगे और आधी क्वांटिटी थोड़ी ऊपर इसको सजाने के लिए रखेंगे। तो इस तरह हम इसको प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने लिया है फुल फैट 1/2 लीटर दूध, इसको इसमें डाल देंगे और इसको एक बॉईल आने तक हम उबालेंगे। तो फ्रेंड, थोड़ी देर में देखिए दूध उबल जाएगा। तो दूध उबलने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर का लिया है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर कॉर्नस्टार्च ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेंगे और पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेंगे। घोल ध्यान रखिए, इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो पानी डालकर इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो पहले थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको डालते हुए देखिए, इस तरह हम इसका परफेक्ट घोल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके एक हाथ से दूध को चलाते जाएंगे और एक हाथ से इस मिश्रण को डालते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी इसमें ये थिकनेस आने लगती है। तो इसको लगातार चलाते जाइए, जिससे कि इसमें लम्स ना बने। तो गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिए, क्योंकि ये इसमें बहुत जल्दी लम्स बन जाते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी ऐड की है। आप मीठा अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर आया है। तो मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। सेमई के ऊपर हम इस मिश्रण को डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितना फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है इसकी। तो इसको इस तरह इवनली हम चारों तरफ फैला देंगे। तो ये देखिए, थोड़ी देर में मैंने इस तरह इसको चारों तरफ फैला दिया है और जो बची हुई सेमई थी हम इसके ऊपर इस तरह फैला देंगे। सारे कॉर्नर पर इसको अच्छे से हम स्प्रेड करेंगे। आप चाहें तो उसके ऊपर पूरे एरिया में इस सेमई को फैला सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर बीच के एरिया को थोड़ा खाली रखा है। थोड़ा इसको डेकोरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोने चांदी के बर्क लगाए हैं, बादाम की कतरन ऐड की है, पिस्ता ऐड की है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई भी नट्स इसमें डाल सकते हैं। तो कितना बढ़िया हमारा ये देख सकते हैं नवाबी सेमई तैयार हुई है। खास बात यह है कि जब आप इसको ठंडा करके खाएंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको 3 घंटे फ्रिज में रख दिया था, तो ये अच्छे से सेट हो गई है। आप इसको बनाकर फ्रिज में रख लीजिए और जब भी आपके यहाँ कोई पार्टी हो, कोई मेहमान आए, तो आप इनको इसको सर्व कर सकते हैं। खास बात, इसको किसी भी ओकेजन पर, किसी भी पार्टी पर बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।